और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 158 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा 16 सीटों पर कांग्रेस सिर्फ सिमट गई है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को भी जीत हासिल हुई है। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में 158 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और साथ ही साथ 16 सीटें सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। तो अगर आप इसका आकलन करें 2017 से, तो ये सीटें आपको काफी ज्यादा नजर आएंगी। इस बार बेहतर प्रदर्शन गुजरात के अंदर, आप ये कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बेहतरीन ये प्रदर्शन है। 158 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीती हैं, कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें ही मिली हैं, आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जरूर जो जीत है वो दर्ज की है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की तरफ से इतिहास रचा गया है। देखिए कुछ अपडेट्स हो रहे हैं लगातार, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि आप जो एक एक करके आंकड़े हैं नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। तो 157 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को और 16 सीटों पर कांग्रेस है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर, बीजेपी को 157 सीटों पर जीत मिल चुकी है, 16 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास में है, 5 सीटों पर आप देख रहे हैं तो वहीं गुजरात में मिली जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है, गुजरात के प्रदेश को जनता को बधाई उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि वो जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए जनता का धन्यवाद, सीएम ने यह भी कहा और पीएम के नेतृत्व पर जनता ने अपना भरोसा जताया है, ये बात सीएम के द्वारा कही गई है। तो जनता के फैसले का सम्मान, गुजरात की जनता का आभार, ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा कही गई। रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए जनता का धन्यवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास जताया है, ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा कही गई। तो चलिए वहीं जीत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा क्या कुछ कहा गया, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, खास करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, तो वहां तो जनता को भी जाता है, वहां नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है, वहां की पार्टी के लोगों को भी जाता है। तो इसलिए एक अच्छा एक मैसेज सारे देश में उसका गया है और मुझे लगता है गुजरात के रास्ते पर बाकी भी प्रदेश सब चलेंगे और अपने लगातार शासन बनाने में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ हवा हवाई बातें करती है, कुछ राज्यों में जरूर सफलता मिली है, दिल्ली के अंदर सफलता इसलिए मिली क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कुछ राज्यों में जरूर सफलता हुई, लेकिन अभी फिलहाल जो जमानत है वो जब्त हो रही है आम आदमी पार्टी की। आदमपुर का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने यहां पर किया है, 1-2 राज्यों में विशेष कारणों से आम आदमी पार्टी जीती, ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा कही गई है। तो आज के नतीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी के ऊपर भी निशाना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि हवा हवाई बातें सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। दिल्ली में सरकार है इसलिए एमसीडी के अंदर सफलता मिली आम आदमी पार्टी को, आदमपुर में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है, 1-2 राज्यों में कुछ विशेष कारण ऐसे रहे हैं जिस वजह से आम आदमी पार्टी को जो जीत है वो मिली है, ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। तो नतीजों के बाद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए ये बड़ा बयान दिया है। तो आदमपुर के चुनावों का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने यहां पर किया, आदमपुर के अंदर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 3,000 मत मिले और इसलिए वहां पर भी आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई और आगे भी उन्होंने कहा कि जहां भी आम आदमी पार्टी जा रही है वहां आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं, जमीन पर इनका आधार नहीं है, ये बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई हैं। तो वहीं इस जीत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए वो हवाई बातें उनकी हैं,
ये ठीक है कि दिल्ली में एमसीडी में उनको सफलता जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में पहले भी उनकी प्रदेश सरकार चल रही है और वहाँ अगर उनको कुछ मिल गया है तो वो एक कम्बाइंड सारा रिजल्ट रहता है, लेकिन बाकी किसी प्रदेश में ना उनको कोई हरियाणा में सफलता मिली, आदमपुर में भी वो जमानत जब्त करा करके आए थे 1.5 लाख में से 3500 वोट लेकर के आए, उनको ना कुछ हिमाचल में मिला ना कुछ उनको गुजरात में मिला, वो एक या दो स्टेट में जो उनको सफलता मिली है उसके अलग से विशेष कारण है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत जल्दी उन सारी बातों को समझती है जो वो उसे प्रचार करते हैं और जिस प्रकार का सारा विषय रहता है, जनता कभी भी ऐसी व्यवस्था को जैसी वो व्यवस्था का प्रचार करते हैं उसको कभी भी स्वीकार करने वाली नहीं।